Okay, so hey guys, me Tushar Silawal and you guys are watching my YouTube channel Tushar's World. So, सबसे पहले मैं कहाँ हूँ आपको ये बताऊंगा और मैं यहाँ कैसे पहुंचा उसके बारे में भी बताऊंगा पूरी। मैंने सोचा इसको ब्लॉग को बनाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग हरकत करी मैंने बड़ी पूरा। तो अभी मैं हूँ मढ़ई में। मढ़ई हम आए थे थोड़े दिन पहले यहाँ पर, तो मेरे को काफी अच्छी लगी थी जगह। फिर हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग मतलब मैं परसों के दिन नाइट आउट पर था और मैं मतलब मेरे कुछ दोस्तों के साथ था। फिर मैं सुबह 6 बजे साहिल को फोन लगा कि मैं तेरे घर पर सोने आ रहा हूँ और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ पर इंदौर से 400 किलोमीटर दूर सुबह 6 बजे वो भी ऐसे उठ के आ गए, पता है ऐसे वो भी हम लोग ऐसे उठ के आ गए। मतलब हमारे पास ना चार्जर था, ना पहनने को चड्डी थी, ना पहनने को बनियान थी, तो हम ऐसे ही उठ के आ गए सब लोग। और ये भाई जो कपड़े में भी दिख रहा है ना चड्डे में, इस भिखारी को तो मैं ऐसे ही उठा के लेके आ गया। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ आपको पहले बता दो लोकेशन, और व्यू काफी सेक्सी है। सो गाइस, ऐसा कुछ हमारा रूम है और रूम की तो अच्छे से लगी पड़ी है जैसे कि हमेशा होता है। और ये भाई भिखारी ने पूरा बेड गंदा कर रखा है और यहाँ पर साहिल भाई साहब अपनी चड्डी सुखा रहे और अभी मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि मैंने भोपाल से ले लिए थे। काफी अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं, तो नए कपड़े भी देखने को मिल गए, नए कपड़े भी पहनने को भी मिल गए। पुराने लाते वो काम के तो रहते नहीं है हमारे, ठीक है। सो अभी मैं तुमको रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा क्या है और कैसा क्या नहीं है। और इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे को काफी मतलब अजीब लग रहा है क्योंकि व्लॉगिंग व्लॉगिंग अपन नहीं करते ना बड़े क्या। Look to your bitch like came in with who? Funny I do what I feel like, it's what I do. Why could you never be you? Wasting my time on trying to be cool. They running my tunes, I ran on my blues. I'm feeling like bitch, I'm feeling like ooh. I done walked in like, look to your bitch like came in with who? Funny I do what I feel like, it's what I do. So guys, ऐसा है कुछ यहाँ का सीन। और इतनी गर्मी है ना, मतलब खतरनाक वाली गर्मी है। और पता है कैसी वाली गर्मी, पसीने पसीने आने वाली गर्मी है। इंदौर में तो थी गर्मी बट मेरे को लगा नहीं था यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ तो उससे इंदौर से भी खतरनाक गर्मी है यहाँ पे। सो बट हमको गर्मी की आदत है बिकॉज मैं मुंबई रहा हूँ काफी टाइम, तो वहां पर तो खतरनाक उससे ज्यादा गर्मी। फिर आप किधर ही देखोगे, फिर मैं दिल्ली भी रहा हूँ और दिल्ली से ज्यादा गर्मी फिर किधर ही देखोगे। और इधर से बहुत अच्छा व्यू है पीछे से पूरा एकदम दूर तक। और अभी अंकल झाड़ू लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको काम करने देते हैं। एंड दिस इज माई रूम, आई थिंक हाँ यही मेरा रूम है। और इसकी हमारे यहाँ पे भी तो बड़ा अच्छा सा मस्त वाला गार्डन है और इधर से व्यू काफी शानदार है। देखो ये रूम देखो, और ये देखो हमारे रूम है। ए, चल साफ कर दे, रूम क्लीन कर दे, चलो रूम क्लीन का हटा, चलो निकला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ आने का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारा एकदम सडन प्लान बना था। मतलब हम लोग ऐसे सुबह पोहे खाने गए थे, तो मैंने बोला चलो तुम्हें पोहे वोहे खिला कर लाता हूँ, और मैं उठाकर उनको भोपाल लेके आ गया। गजब बेइज्जती है। और यहाँ पोहे खिलाए, यहाँ भी पोहे नहीं खिलाए, यहाँ पे भी कोई नहीं खिला है। तो अभी हमारा सीन है पचमढ़ी निकलने का, यहाँ से सिर्फ 87 किलोमीटर दूर है, बट रोड खराब है तो हमें 2.5 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। अभी बज रहे सुबह के 9 एंड हम लोग पहुंचने वाले पचमढ़ी। मैं ट्राई करूंगा 1.5 घंटे में ही पहुंचा दूं। और हम लोग यहाँ कैसे आए क्या नहीं है उसके बारे में आपको अब बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ हम लोग यहाँ पर कैसे आए और कैसे नहीं। मैं मतलब सुबह रात भर नाइट आउट पे था, घूम रहा था मेरे दोस्तों के साथ। मैंने कॉल करा साहिल को कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ तेरे घर पे, या मैं तेरे घर पे आके सो जाऊंगा क्योंकि मेरे को काफी नींद आ रही थी उस वक्त। और फिर मैंने साहिल को उठाया, मैंने साहिल को कार दी क्योंकि मेरे से कार चलाने की हालत में था नहीं, तो मेरे से कार तो क्या साइकिल भी नहीं चले। फिर साहिल को गाड़ी चलाने को दी साहिल, और हमारा घर अभी पास में हो गया है, और जो अभय ने फ्लैट ले लिया है वो भी पास में ही हो गया, तो अभी हम लोग सब एक संग एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं। थोड़ा ना थैली अच्छी बनाए। देखो भाई हमारे पास लगेज भी नहीं है, हम इस थैली में कपड़े ले लेके घूम रहे हैं, वो भी टूट गई। अब पोटली में ले लेके घूमेंगे क्या कपड़ों को। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो उज्जैन चलते पहले, तो फिर उज्जैन का भी नहीं प्लान बना। मैंने बोला उज्जैन तक हम लोग मतलब आधे रास्ते तक पहुंच ही गए थे। फिर मैंने बोला एक काम करो भोपाल चलते हैं। भोपाल जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि चलो मढ़ई चलते हैं।
तो मढ़ई में ये काफी अच्छा रिजॉर्ट था, यहाँ पर रुके, मस्ती करी कल रात भर, स्विमिंग पूल में पगला है, जकूजी में पगला है, मतलब काफी एंजॉय करा, काफी एंजॉय करा हमने एक दिन में। हाँ, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप ही सक्सेसफुल होती है। अगर तुम लोग भी तुम्हारे दोस्तों के साथ कहीं पे भी ट्रिप पे जाना चाह रहे हो तो उनको बनाओ उल्लू और बोलो कि चलो मैं तुम्हें पोहे खिला कर लाता हूँ, समोसे खिला कर लाता हूँ, और गाड़ी में बनना बंद करके पैक करके ताला वाला सबको पकड़ के ले जाओ किधर पे भी, तभी तुम जा पाओगे, वरना नहीं जाओ। हाँ, और पता तुमको मेरे हमारे सूट उट सब बाद में करना, और सबसे बड़ी बात एक बात बता आपको, ना यहाँ पर नेटवर्क है, ना कोई फोन लगा के परेशान कर रहा है, ना कुछ। सबसे बड़ी दूसरी बात, उसी दिन इसने बाइक ली थी, बेचारे को बाइक भी नहीं चलाने दी, अभी तक एक बार चलाई भी नहीं चल। अच्छा, मैं इतने दिन से बना रहा था प्लान कि बाइक से आएंगे पचमढ़ी, क्योंकि हम लोग पिछली बार बाइक से आए थे, पर यहाँ इतनी गर्मी है कि कार का एसी भी नहीं काम कर रहा है। इस बार तो मैंने मना ही बोल देता बाइक से, ये गलती अच्छा हुआ नहीं करी, वरना ना हमारा ऑमलेट बन जाता खतरनाक वाला। सो अभी हम लोग ऐसे करते हैं, पैकिंग, निकलते हैं पचमढ़ी के लिए, और वहां पर हमारा व्लॉग एंड करेंगे, एंड वहां से हमारा दूसरा व्लॉग चालू करेंगे, एंड ये कोई ऐसा ट्रैवल व्लॉग हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, ये एज अ फन व्लॉग रहेगा, हम लोगों का ट्रिप रहेगा, हम लोग रहेंगे, आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स इतने देखने को नहीं मिलेंगे, इतने स्लो मोशंस देखने को नहीं मिलेंगे, या वैसी कुछ चीज नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा कि हम लोगों की ट्रिप थोड़ी सी हम आप लोगों को बताएं, ठीक है, जगह नेचर, क्योंकि पता है क्या, नहीं लाए भी नहीं है, बट वहां पर, अरे वहां पर रोहित है ना, रोहित सिंह मेरा दोस्त है, उसके पास सब कुछ है, हुआ तो नेक्स्ट व्लॉग बहुत क्वालिटी वाला भी आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं यहाँ से। ओके सो गाइस, हमारा यहाँ पर स्टे अभी आज तक ही था, सब लोग जा रहे हैं, एंड ये यहाँ का स्टाफ है पूरा, सब अपने भाई लोग हैं, और ये भी भैया भी हमारे, इन्होंने भी काफी हेल्प करी हमारी, और फूड वगैरह भी काफी टेस्टी था, हम लोग पिछली बार आए थे तब भी अच्छा था, बट अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। अभी हम लोग पचमढ़ी में देखते हैं कहाँ पर स्टे करेंगे, उन्हीं की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी है, पांडा, ये वाली, तो अगर हुआ ये वाली प्रॉपर्टी, तो अगर हुआ तो यहीं स्टे करेंगे, और देखते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। सो अभी तो काफी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, तो हमने कार थोड़ी सी ऑन करके रख दी ताकि ठंडी हो जाए, एंड ये सारी मैंने इधर जो भी था साइड ऑन कर दिया, अभी निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं हम लोग सीधा पचमढ़ी। ओके देखो, धूप, अगर जादू होता ना तो जादू तो गेम बजाना पड़ेगा। जादू बोलता है कि मुझे मेरे घर देखो, हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करके रखी ना गाड़ी तो पहले भी, ताकि ठंडी रहे, होती रहे गाड़ी ठंडी, वरना तो छोले भटूरे हो रहा, खतरनाक गर्मी भाई, गंदी गर्मी है, बहुत गंदी गर्मी है, हाय 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 हाय। ये चीज हमने अच्छी करी कि हमने गाड़ी चालू करके रखी। अबे क्या दिखा रहा है, मोटे सामान रखो। So guys, अभी हम आपको थोड़े रास्ते के अभी शॉट दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग वो सब चीजें तो भूल गए यार, सिनेमेटोग्राफी वगैरह सब बड़े बड़े ब्लॉगर करते हैं वो सब, हमको तो कहाँ आती है। हम तो कौन से ब्लॉग बनाने हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। Out on a roll, out on my own. Feel like a warrior and we out on roam. Hot in my zone, hot in we on. Hopping in where we get gone. Yeah. I think that they might not know, no, no. I hit a roll, roll, roll. I'm on the gas on the go, go, go. Say on the go, they like whoa, whoa, whoa. Told them I'd do it again and again. Fresh made, y'all straight out the can. So, bhai, ek to pehle yahan ka road bada hi khatarnak hai. Right side 2000 road pe. 2000 se. Ki agar tire niche utra, to gaadi boom. अरे भाई साहब, चल रहे हैं मस्त अपनी मस्ती में, अब चल रहे हैं जीरो की स्पीड में। जीरो, मैं जीरो बोलता हूँ, अभी पता है जीरो होता है वो, मैं थोड़ा सा स्लैंग, मेरी स्लैंग एसी ही देगी, मतलब ऐसे ही मैं यार, मेरे को मस्ती का चले। और अब लोगों ने पता क्या जुगाड़ा हमारा है, गर्मी से मस्ती में दिखाओ जरा, गंदे गंदे टी शर्ट चिपका दिया, जैसे 70 की स्पीड में गाड़ी चल रही है,
अरे यार प्लीज दद्दू जाने दो। अरे दादा उतार लेंगे, उतार भी नहीं सकता मैं। ढाई फीट होगा, ढाई तीन फीट, दो फीट रे ऊपर वो होते हैं। अबे यार ये तो बहुत ही गंदी हो रही है दादा, ये इधर साइड में लगा लो, दो मिनट जगह बोल रहे, थोड़ा सा टिल्ला बना हुआ। हाँ वाह यार दादा, दादा भी समझदार है कि ये बस 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 वो रुक गए कि चलो तुम लोग निकल जाओ, चलो 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 देख के मोटिवेट सोचना। सीधी कड़क धूप अपन लोग कार में एसी में बैठे हैं, सब लगा लूं के 40.5 डिग्री आउटसाइड आवर स्टेशनरी ए डार्लिंग। चलो आराम से, आराम से। ए बेबी गर्ल। सो गाइस हमने इधर शॉपिंग करी, देखो हमारे हम लोग कुछ भी लेकर नहीं आते, इसलिए लूफा ले लिया। ये सब बड़े बड़े बैग, ये रहे छोटे बैग चाहिए हमको, एक अच्छा सा ब्लैक कलर का, एक बेसिक। अरे ये तो स्कूल जाने वाले बस्ते है। अरे ये थोड़ा लग रहा है सही, ये वाला सेक्सी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं काम आए पे भविष्य में भी। अरे ये बोलते रहो, अरे एप्पल का बैग ले ले, एप्पल का एप्पल का ले, एप्पल का बैग। अरे ये वाला बैग ले ले, इसके अंदर क्या रख के घूमेंगे भाई। बोतल का है वो, अच्छा पानी की बोतल, पानी की। अबे तो उसमें और क्या आएगा, पानी की बोतल तो आएगी। तो पानी की बोतल को इतना छुपा के क्यों रखना, ये ले भाई, लोगों की प्राइवेसी होती है, तुमको क्या करना है। चलो भाई हम लोग इसका बिल कराते हैं यार, ये ना व्यवहार लोग आप लोगों को बोर कर रहे हैं। ले लिया तूने सब कुछ यार, किसने बताया क्या लिया अभी। यार बेचारा भाई, मेरा पैंट ना पोटी का पता है, ले लेना। अबे यार भाई के लिए ले ले फटाफट, ये यहाँ से यहाँ भी ढूंढ रहा है, यहाँ ढूंढ रहा है। अरे मैं रखा तो है, वहां से ले ले पागल। नेल कटर भी ले ले हमने, नेल नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए, भीमा उड़ा ऐसे भिखारी ऐसे हो गए नाखून हमारे, नाते धोते नहीं ना। ओके गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, पेपर ये हमने क्रॉस कर ही दिया था, अभी हम लोग आ गए टाइगर रिजर्व तक। अब हम लोग करेंगे चढ़ाई चालू, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि मैंने आज तक ऊपर नहीं चढ़ाई है गाड़ी, क्योंकि रोड बहुत खतरनाक, सिंगल वन वे घाट और कंटिन्यूसली पूरा ऊपर तक घाटी है। तो मैं बाइक से तो हम लोग गए थे, बाइक भी वैसे थोड़ी थोड़ी सी दो बार तो मतलब रोड से नीचे उतर ही गई थी। वो कुछ भागा कोई जानवर ही था, शायद बंदर होगा, बंदर। पिछली बार यहाँ तक आने में कितनी 12 बज गई थी, इस गेट तक पहुँचने में बाइक से। यहाँ तक आते आते तो हमने थप्पी लगाते, हमारी 12 बज गई थी भाई, खतरनाक थक। क्योंकि बाइक से क्या होता है ना, विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम है। हेलमेट कब तक लगा के रहोगे यार, गर्दन दुख जाती है हेलमेट से, खतरनाक वाली। और मैंने जो अभी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, अभी जो मैंने बाइक के लिए हेलमेट लिया ना, इस गेट तक पहुँचने में तो 12 बज गई थी। जो मैंने बाइक के लिए हेलमेट लिया वो इतना मतलब इतना पेन होता है ना उसको लगा के घूमने में, मेरे को आदत नहीं है हेलमेट लगाने की। एंड मैंने कुछ रील्स वगैरह डाली थी, उसमें मैंने हेलमेट वेलमेट नहीं पहना था चलाते हुए भी, जिस दिन मैंने ली थी तो बहुत सारे लोग मतलब गलत कमेंट कर रहे थे, तो यार उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे पास था नहीं उस वक्त हेलमेट, वरना मैं जरूर पहनता। अगर सोचो आपकी ड्रीम बाइक आपके पास और आपके पास हेलमेट नहीं, तो क्या आप उसको चलाओगे नहीं। खैर देखो सब चलाते हैं आसपास तो चला सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया में ज्यादा लोग हेलमेट पहनते नहीं है, बट ये गलत चीज़ है, इसलिए मैंने हेलमेट लिया। और मैं अब बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाता, भले कैमरा चालू हो या बंद हो। काफी सारे लोगों को मैं दिखता हूँ बाइक से, बट मैं हेलमेट के साथ ही दिखता हूँ। आप भी बिना करो हेलमेट चालू हो गया, डेंजर पिक्चर है ये रोड का, पूरा सिंगल वे है ना यार घाट में। देखते हैं अगर हम लोगों को कोई भी एनिमल या कोई पॉसिबल चिड़िया विड़िया कुछ दिखती है तो आपको दिखाएंगे हम पक्का, और सांप भी दिख सकती है। सांप तो बहुत है अपने साथ, उनको क्या देखना, स्नेक्स एवरीवेयर, स्नेक्स लाऊं नीचे होल में बहुत सारा रखा है। अच्छी सी एक बढ़िया सा आउटफिट पहनूंगा आज तो शूट के लिए यार, मस्त वाला एकदम। भाई तुम लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा तो कर लो, अभी अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह डालूंगा मैं, और अभी एक फोटो भी डाला है मस्त सा यार। मैं बताया फोटो इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि ना तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, मतलब 4 मिलियन फॉलोअर है तो एटलीस्ट 500,000 लाइक तो करा फोटोज पे, नहीं सही बात है ना। सही है सही है। ये बस इतना अंदाजन से गाड़ी निकालना पड़ती है यहाँ से, ये
बस वाले और ट्रक वाले तो रोकते ऊपर ही आते हैं सीधा, उनको जल्दी कोई रिवॉर्ड रहता ना, टूरिस्ट टूरिस्ट को जल्दी लेके जाना, ब्रेक ही नहीं मारते वो साले सीधी। और यहाँ नीचे जो नीचे यहाँ पर मतलब जली जली कारें फूटी हुई कारें पड़ी हुई है उनको देख के तो डबल राजीव सा लगता था। चलो गाइस हम लोग ऊपर पहुंचते हैं और फिर आपको ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग खा रहे हैं हमारी फेवरेट ककड़ी, ये मेरे को मांगता है देखो भी ये देना। और हम अब इसमें डालेंगे स्पेशल नमक जो कि इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये हर कहीं मिलता है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, इसे जानूंगा। अबे इसका गिरता है फिर उसमें होता है कहाँ गिरता है वीडियो देखना तो गिरता है मेरे को नहीं गिरना रहता तो डाल रहा हूँ अच्छे से नमक असली ले लड़का यार मैं स्टार्ट करने भूल गया स्टार्ट करना भूल गया फिर से नंबर रोड यार मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है क्यों देखो ये रोड है अब ये आ ये मतलब इतने सा इतने गैप में आप भी निकाल लो मैं भी निकाल लूंगा ऐसा है मेरी जिंदगी तेरे हाथ में कुछ भी गड़बड़ करा साले को फोड़ डालूं।